सर, न्यूटन ने ग्रेविटी जरूर डिस्कवर की थी, पर इसका मतलब ये नहीं कि उससे पहले किसी ने एप्पल को गिरते हुए नहीं देखा होगा। पर किसी ने ग्रेविटी के बारे में नहीं सोचा सर, उसके लिए आंखें नहीं चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे श्रीकांत के 11वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और जानेंगे इस फिल्म के अब तक की टोटल इंडिया नेट क्रॉस ओवर से सर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इस फिल्म ने अपने पहले दिन इंडिया में 2,35,00,000 का नेट कलेक्शन किया था, तो अपने पहले वीकेंड में 11,81,00,000 का कलेक्शन किया था और अपने पहले हफ्ते में 18,05,00,000 का कलेक्शन किया था। फिल्म ने अपने 8वें दिन में 1,52,00,000 का, 9वें दिन में 2,74,00,000 का, अपने 10वें दिन में अच्छा खासा ग्रोथ करते हुए लगभग 3,90,00,000 का कलेक्शन किया, जिससे इस फिल्म के 10 दिनों को टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 26,21,00,000 हो चुका है। तो टोटल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 31,50,00,000 हो चुका है। इस फिल्म ने ओवरसीज में लगभग 2,18,00,000 का कलेक्शन किया। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म के 10 दिनों को टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 33,68,00,000 हो चुका है। बात करें दोस्तों इस फिल्म के 11वें दिन के कलेक्शन की, तो ये फिल्म अपने 11वें दिन में इंडिया में लगभग 1,45,00,000 का नेट कलेक्शन करने वाली है। आपको बता दूं कि इस फिल्म का बजट तकरीबन 30 करोड़ है। अब फिल्म ने दूसरे वीकेंड में जैसा अच्छा कलेक्शन किया, उसे देखकर लग रहा है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस में हिट तो जरूर होगी। 2-3 दिनों में ये फिल्म अपना बजट भी रिकवर कर ही लेगी। बात करें दोस्तों इस फिल्म की IMDb रेटिंग की, तो इस फिल्म को 8.1 रेटिंग मिले। तो दोस्तों, अगर आपने फिल्म देख लिया तो आपको फिल्म कैसी लगी और आप इस फिल्म को 5 में से कितनी रेटिंग देना चाहोगे कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो ऐसी बॉक्स ऑफिस की कलेक्शन और फिल्मों की सभी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।